और भाई मेरे पास कमेंट वमेंट आ रहे हैं काफी, गर्लफ्रेंड आपकी कितने अफेयर चल रहे हैं क्या? मकान रहने के लिए बना रहा हूँ। हाँ नजाकोट जा रहे हो? मैं भी नजाकोट जा रहा हूँ। उसका अम्मा बनाते ना भाई, धमकी हो है इनकी, या तो शादी कर ले नहीं तो घर से निकाल देंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल पवन व्लॉग्स। तो भाई कैसे हो सब? बढ़िया। चलो भाई, रोज की ड्यूटी की तरह भाई सबसे पहले उठते ही एडिटिंग करी, अपलोड करा। भाई रात को सो गया, एडिटिंग नहीं करी रात को, अभी करी सुबह उठ के। उसके बाद भाई ड्यूटी करनी है रोज की तरह, फ्लाइट पर चल रहे हैं। और भाई मेरे पास कमेंट वमेंट आ रहे हैं काफ़ी कि भाई, मतलब इंस्टा पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे तो नहीं आ रहे, खैर इंस्टा पे, कि भाई कितनी गर्लफ्रेंड आपकी, कितने अफेयर चल रहे हैं। यार एक चीज़ बताओ, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है, सीरियसली बताऊँ तो। क्या मम्मी मेरे लग गया तो मेरी गलती थोड़ी है भाई, मेरे घर में ना अर्थिंग कैच हो रही है, मैंने वॉशरूम का बटन दबाया, मेरा करंट लग गया। अर्थिंग तो ना बना रखी। अब भाई मैं आप भाई मेरे को नेल बाइटिंग की आदत है तो मैं क्या करूँ, मेरे को है आदत बचपन से है तो क्या करूँ मैं। मुझे लग गया करंट, मम्मी को नहीं लगा, मम्मी कह रही मेरे नहीं लगा करंट, ये कोई बात थोड़ी है। चलो आ जल्दी आओ, बाहर आओ, चलो। हाँ हाँ आज हमारे घर वाले बीच बीच में आ जाए फुटेज खाने के तई, खासकर हमारा मोटा इस मारा भाई थार था, बात मत पाती पूरी गाड़ी बैठी करूँगा पूरी। सुखा दिया गड्ढा भी, सुखा दिया वो वाला। हाँ नीम खोद दिया ना वहाँ पे, वो सुखा दिया गड्ढा भी। एक पिलर तो यही तो कल ही खड़ा हो गया था, डी पी सी होगी यहाँ पे इतनी, और वो भी कल ही हो गया था, गड्ढा भी सुखा दिया वहाँ पे वो। तरुण पता क्या कह रहा, कह रहा प्लाट तो बहुत छोटा है ये, मगर बनने के बाद पता लगती है चीज़, मगर अभी तेरे को ऐसे ही लग रहा है। कह रहा था ना कल आया था जब, कह रहा पार्किंग तो बचेगी नहीं, कमरा कहाँ निकालेगा? ये एल शेप में कह रहा था ना बनाने के लिए। तो अच्छा ये एल वाला, हाँ ठीक है, ये पतले वाले होंगे, चार इंची वाले हैं ना ये, ठीक है। क्या मकान रहने के लिए बना रहा हूँ? किराए वराए के लिए थोड़ी है, किराए के लिए इतना पैसा थोड़ी लगाऊंगा किराए में, किराए का बनाना होता फिर नॉर्मली बना लेता मैं, रहने के लिए बना रहा हूँ। करवा दो, मदद करवा दो, एक बार उठवा दो सारे, ये आराम से लगवा मत लेना कहीं। सो गाइस ये पिलर आ गए भाई, और ज़्यादा तो अंदर चल जा चुके हैं, पहले तीन पिलर आ गए थे, तीन और आ गए। गाइस ये देखो यार, मतलब ये बछड़ा ना, मतलब अपनी माँ से हो गया, इसको पता भी नहीं है बेचारे को, देखो गाड़ियों के बीच में ऐसा घूम रहा है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा कुछ नहीं पता। हेलो, खोलो मन्नत। क्या कर रहे हो? नाई नमस्ते ठीक हो? नाई नमस्ते ठीक हो? ठीक है। हाँ जी सब आ जल्दी 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 आओ जल्दी आओ जल्दी जल्दी आओ। क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ, क्या खा रहे थे तुम? इधर आओ जल्दी, क्या खा रहे थे? इधर आओ, इधर क्या खा रहे थे? दादी का दादी को लेके आओ, दादी को लेके आओ, बोरी बाहर 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 वहाँ पे दादी को लेके आओ, जल्दी जाओ लेके आओ जल्दी। हाँ दादी लेके आओ जल्दी जल्दी लेके आओ। मन्नत ये क्या है? क्या है ये? ये नहीं। हट ना ना, तू हट। ओ भाग गई। हाँ नजाकोट जा रहे हो? मैं भी नजाकोट जा रहा हूँ। हाँ कुछ काम से जा रहा हूँ। हाँ मैं भी मार्केट जा रहा हूँ। कोई ना, चलो फिर आ जाओ। सो गाइस मम्मी को घर छोड़ दिया मैंने, और भाई मैं अभी जा रहा था नजफगढ़ काम से, और बीच में चाचा ची मिल गए रस्ते में, कह रहे कहाँ जा रहा है? मैं नजफगढ़। कह रहा आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे नजफगढ़। मैं कहा चलो, तो भाई मैं भी काम से जा रहा था, वो भी मार्केट जा रहा है, मतलब वो मार्केट जा रहे हैं, मैं अपने कुछ काम से जा रहा हूँ। मैं कहा चलो, फिर कह रहे हमने तो बाइक ले ली, कोई नहीं आप लोग बाइक पे आ जाओ। मेरे को वहाँ से यार मम्मी ने बुलाया मुझे, मम्मी से कुछ काम है मेरे को, तो मतलब मेरी मम्मी से, मम्मी गई हुई है वहीं पे, तो मम्मी और मैं कुछ काम करके आएंगे वहाँ से। गाइस ये देखो सामने, ये रिसा चाची, ये देखो बाइक पे, देखो चाची ने भी हेलमेट लगा रखा है। चाचा देख रहे हैं शीशे में, देख रहे हैं देखो। गाइस चाचा जी छोड़ते हैं पीछे, क्योंकि अगर इनके चक्कर में आना तो भाई लेट हो जाऊंगा मैं, तो ये जा रहे साइड में से। तो भाई हम चले अपना, मम्मी वेट कर रही है भाई, मम्मी ने तो गाड़ियाँ बखेगी मेरे को, कहाँ रह गया ये वो, फिर दोबारा बोलेगी भाई कितने बजे बोलते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं। उसका अम्मा बनाते ना है, मम्मी ने बुला ले तू यहाँ पे रोज की रोज, कुछ काम धंधा ना है? मैंने ना बुलाई, मम्मी नोनू ने दवाई दिलाना है। फिर वो सो गई नोनू, फिर तूने फोन कर दिया था कि मैं लेना, वो दूसरी का है
उठी पड़ी है, उसने उठा रही है। क्या चल रहा है, क्या हाल चाल? मुझे नमस्ते, ठीक हो? कुछ भी सोका उठी है ना, है कौन भाई है? कौन सा भाई है? कौन सा भाई है? कौन सा भाई है? ए अरे सोगी लग रही थी। चलो ए ए के है, कहा ध्यान है? लल्लू लल्लू चाबी दो, चाबी चाबी दो, चाबी दो जल्दी, इधर आओ दो चाबी, चाबी दो जल्दी। बैग में डाल के, प्लास्टिक के बैग में चाबी घूम रही थी। निक्कर देखो, इसका निक्कर है, लगा जादू नहीं हो। देख निक्कर देख जा, नन्ने नन्ने लाओ चाबी देना, चाबी बेल का है, करेले का है इसमें, ये देख ले इसमें का है। अच्छा हाँ, ये रे करेले, हाँ ये रे। कितने दिन में, कितने दिन में होंगे? कितनी देर में नहीं, कितने दिन में होंगे? एक दो दिन और लगेंगे बड़े होने में। हाँ तो थोड़े के लिए आइयो, जब आओगे ना घर पे थोड़े के लिए आइयो। चल लूने भाई, तू आएगा ना प्लॉट पे, तू ही ले जाइयो, सब बता दे पब्लिक को। हाँ बाय बाय, हाय करो, हाय हाय करो, हाय हाय करो। चलो बाय पकड़ो, चलो ठीक है बाय, ठीक है चलो ठीक है, ओके 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 बाय। अपनी हालत तो भाई बताना सही होगी या ना होगी, टाइम का इशू बड़ा भाई, टाइम का बहुत वो चल रहा है, मतलब कैसे करें यार, समझ नहीं आ रहा। और यार एक न्यूज़ सुनने में आई कि अपना एलविश भाई जो है भाई बिग बॉस में चला चुका है, बढ़िया भाई, मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री लिया भाई ने। चलो अब मजा आएगा बिग बॉस देखने में, मतलब पुनीत के जाने के बाद एकदम से टीआरपी गिर गई थी, पर अब शायद टीआरपी बढ़ जाएगी बिग बॉस की। और दूसरा अपना एलविश भाई है, भाई देखने में तो मजा आएगा ही। तो भाई जो भी मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, जो भी मेरे चीते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई जो भी देखना बिग बॉस ऑटिटी बढ़िया है भाई सीजन टू। और अपना एलविश भाई है तो जाहिर सी बात है बढ़िया ही होगा। चलो और दूसरा सुबह एक बात कर रहा है यार आप लोगों से मैं, कि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे कि भाई मेरे बहुत सारे अफेयर हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप हैं मेरे। यार एक चीज़ बताओ, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहाँ से अफेयर करूँगा, कहाँ से मैं मतलब इतनी सारी लड़कियों को हैंडल करूँगा? यार मेरा फैमिली के लिए टाइम नहीं है मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं है, तो लड़कियों के तभी कहाँ का टाइम होगा मेरे द्वारा, और कहाँ से इतने सारे अफेयर होंगे? पता है यार के सोचने लग जाए दुनिया, के सोचने लग जाए लोग। कि कमेंट आ रहे हैं कि मतलब DM भी आ रहे हैं कि ये बताओ आपके अफेयर कितने हैं, आपकी गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं, मतलब भाई एक भी ना है। देखा क्या, देखो बैठे और देखा लो जी, टॉक बाद में करेंगे, पहले एक बार भाई मम्मी से बात कर ले, मम्मी का कॉल आ रहा है। भाई आधी बात रुक गई थी हमारी क्योंकि कॉल आ गया था मम्मी का, मम्मी कह रही कहाँ पर है, मैं गाड़ी वॉश कराना है, गाड़ी वॉश हो रही है भाई अपनी, इतना मिट्टी निकल रही है इसमें से, इतना रेत निकल रहा है ना इसमें से, बस क्या ही बताएं। एक बार इसकी हालत ठीक हो जाए फिर अपनी हालत कराएंगे, आज तो नहीं करा पाएंगे यार टाइम नहीं है, कल देखेंगे, कल कराएंगे अपनी हालत ठीक, पहले इसकी हालत ठीक करानी जरूरी थी भाई, बहुत लंबी हो रही थी, कोई क्या सोचेगा ब्लॉगर होके अपनी गाड़ी वॉश नहीं करा सकता, फाइनली करा ली भाई आज। लग रहे हो तुम, फटाफट कर दो इस गाड़ी को यार, मेरे को फ्री कर दो। और भाई अभी पेंट कराया है, और ये देखो, देख रहे हो ऐसा पेंट कराया भाई इन्होंने, लग रही ना गाड़ी वॉश होने के बाद, वो सोचे तो भाई खिल सी जाए हो जाएगा। ये मेरे घर वाले मेरे पीछे से गद्दारी कर बे, क्या कर दिया, बर्बादी की सोच रहे हैं मेरी, है वो खुद मेरे पास रहने के लिए आने वाला है। पता क्या कहता है, कहता है ऐसा लगता है कि घर में ना ऐसे जी रहा हूँ जैसे पीजी में रहते, कपड़े धुले हुए मिल जाते, टाइम पे खाना मिल जाता है, बस वो तो हमेशा करेंगे वहाँ, वो तो सिस्टम। अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात तो सुनो, ये पता क्या कह रहा है, कह रहा तू घर से निकलवाएगा मेरे को, ऊपर अलग से मेरा एक कमरा बनवा दे, ने ना? पहले के जमाने में था के ना अरे कराओ ना, पांच पांच ईंट दो में सिस्टम। सारी बात छोड़ो, धोखा क्या हुआ ये तो पता, अरे गद्दारी कर रहे पीछे से, प्लानिंग कर रहे हैं यार, क्या प्लानिंग कर, पता नहीं कौन कौन लड़की है, कहाँ लगी पड़ी है, कटा दिया
अपना एल्विस भाई आ गया भाई, बिग बॉस नाम की टीम है, क्या क्या मजा होगा देखने में। एल्विस यादव चला गया, एल्विस बिग बॉस में, हाँ उसको निकाल देता ना पुणे सुपरस्टार को, तो उसको ले लिया एल्विस को, वाइल्ड कार्ड एंट्री दी उसको। लड़की कौन आई है इस बार? लड़की भी आई है, मैंने एपिसोड नहीं देखा अभी। मैंने बस भाई आज रात की शादी होगी 5 तारीख को। किसकी? एल्विस की। अरे नहीं, अरे नहीं मम्मी, ना 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 शादी वादी नहीं। अरे मम्मी क्या कह रही है यार, शादी नहीं, ना ना अभी नहीं, उसकी मम्मी परेशान है उससे, मेरी तरह से आप परेशान हो। अब देख लो नाखून कौन खा रहा है भाई, मुझे बोला जाता है हमेशा। तुम्हें पता है इस खोपड़ी में कितना टेंशन, बचपन से लेकर आज तक 25 साल हो गए। मम्मी अरे मम्मी बात कर लेना मेरे को अपनी ऑडियंस से, फुटेज खाने के लिए आ जाते बीच बीच में। हाँ तो भाई सारे भाई अपने भाई बिग बॉस देखना भाई, अपना एल्विस भाई आ गया तो काड़ा मजा होगा। और उसके आगे भाई तेरी सारी सच्चाई बताओ बताओ, मैं तो चाहता हूँ मेरी सच्चाई बताए। और वो जो कल वाला व्लॉग देखा होगा भाई, वो सच्चाई बता रहा था ना इससे भाई, डीएम कर कभी निकल जा सच्चाई और डीएम कर लेना भाई से, ठीक है डीएम कर लेना भाई से। अरे यो बता देगा सच्चाई, गलत बात भी तुम्हारा है के सुन, घर से निकालोगे मेरे को? अभी निकालो निकालो अभी निकालो, निकल जा तेरे तो कई होगा, एक मत निकल जाएगा एक में पड़ जाएगा सिस्टम। निकालो करता है करता भाई, धमकी हो है इनकी, या तो शादी कर ले नहीं तो घर से निकाल देंगे, यो सिस्टम चल रहा है भाई काड़ा। अरे यो आग लगाई हुई इसकी है सारी, तो सही है भाई कर ले, इसकी आग लगाई हुई है। पता क्या कह रहा है अरुण का ब्याह तो होना नहीं, उसने कराना नहीं। कह रहा तू कर ले, तेरे बहाने मेरा तेरे बहाने मेरा तो हो जाएगा। करो करो डीएम करो उसके, ये बताएगा सच्चाई, कहता उसके बस की कुछ कहता कुछ तो करता नहीं ना, मेरा होने देता। अब तो पक्का निकल रहा है, देख लियो व्लॉग घर से निकल, इसकी वीडियो देखता नहीं है कौन भाई? अरुण भाई, अरुण भाई का टाइम नहीं है इतना, दीदी के पास पूरा टाइम है, मीनाक्षी के पास नहीं है तो काट देगा, काट दूंगा डलेगा पूरा, दिमाग यार दिमाग खराब है, पूरा डलेगा पूरा व्लॉग, पूरी टॉक डलेगी। डीएम करो आज, करो डीएम इसे भाई, करो डीएम। अरे भाई धमकी दी जा रही है हमारे घर, मेरे घर वाले मैंने धमकी दे रहे हैं, कल ना कुछ बात हो जाए तो भाई इनके चेप हो जाना आके के भाई कह रहे हैं या तो ब्याह करवा ले ना तो घर तक काट देंगे, काट दो भाई करता है। ये भी अभी जाऊं गाड़ा लुका रहा है ना, अरे वो छोड़ ये जंग खा गया, देख नीचे देख अभी लगवाए थे ये देख, हाँ बारिश के पानी से किसको बोले, अरे पता नहीं कैसे जंग खा गए, देख बढ़िया लग रही है, हाँ मैं ये घर से देख बंपर देख, ये देख वही तो कह रहा हूँ कैसे लगी है कैसे नहीं, ये जंग खा रहे हैं देख, ये जंग खाने लग गए बारिश में, और ये देख पता नहीं कैसे लग गए यहाँ पे, पेटीएम का स्कैनर ऐसे लेके बैठा हुआ है जैसे पता नहीं क्या हो रहा हो, यहाँ पे तो करेगा भाई पेमेंट कर भी दी कब की, और यहाँ पे भाई डीजल डलवाने की तो मैं भाई रीडिंग देखने में लग रहा हूँ। हाँ हाँ एक जरा सा भाई घोटाला, एक अपने हारे अंकल की भी यहाँ थी और इसकी भी, मतलब घोटाला नहीं हो सकता, खोद खोद के खोद खोद के निकाल लेते चीजों को, आराम का पैसा ढूंढना भाई, बोलते पेमेंट हो गई होगी भाई। सो गाइस फाइनली घर पहुँच गए थे भाई, और मैं आके सो गया यार, और नींद आ गई थी एकदम से, फिर मैंने सोचा मैं व्लॉग एड नहीं करा, व्लॉग एड कर देता हूँ, तो इस व्लॉग को करते हैं पे एड, पता नहीं क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा मार दो यार, और यार लाइक करा दो यार, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा दो, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।